हर खिलाड़ी की तरिया मेरा भी सपना था, देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। जो मैं करना चाहता था वो मारा बेटा करके दिखाएगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा मारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। दोस्तों, एक जमाना था जब बॉलीवुड के गाने, डायलॉग और फिल्में हमारे दिलों पर राज करती थी। लेकिन आज हालात ये है कि लोग बॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा अपने पुराने फेसबुक पोस्ट को याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ की फिल्में, भाई साहब पुष्पा झुकेगा नहीं से लेकर केजीएफ को रॉकी भाई तक पूरे देश के लोगों को झुका दिया। तो ऐसा क्या हो रहा है बॉलीवुड में जो वो अपने ही दर्शकों को खोता जा रहा है? आइए सच्चाई को थोड़ा मजेदार अंदाज में समझते हैं। कहानी का गड़बड़ झाल, बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से क्या चल रहा है? नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, अब हर फिल्म में वही पापा की परी और चाचा का चश्मा वाले स्टार किड्स। जब कहानी कमजोर होती है और एक्टिंग मजाक, तो जनता का दिल कैसे जीतोगे? उधर साउथ, वहाँ हर स्क्रिप्ट इतनी टाइट होती है कि सीट से उठने का मन नहीं करता। बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल पर लोगों ने रातों की नींद गंवा दी। और बॉलीवुड समाज क्या कहेगा, जैसे घिसे पिटे सवाल पूछता रह गया। साउथ की फिल्में, तुम्हारे पास जो है वो तगड़ी कहानी है। बॉलीवुड, हमारे पास स्टार किड्स हैं। म्यूजिक का हाल, पहले के ज़माने में बॉलीवुड के गाने एवरग्रीन हुआ करते थे। किशोर कुमार से लेकर एआर रहमान तक हर धुन कानों में रस घोलती थी। मुझे 90 का ये गाना बहुत पसंद है, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन 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 साजन। लेकिन अब रीमेक्स पे रीमेक्स, काला चश्मा का रीमेक्स, तेरे बिन का रीमेक्स और तू और रीमेक्स का भी रीमेक्स बना दिया। साउथ का म्यूजिक ऐसा कि शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएं। आरआरआर का नाटू नाटू सुनो और ऐसे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। बॉलीवुड, रीमेक्स बना दो यार, काम आसान हो जाएगा। साउथ, कुछ ऐसा बनाओ जो हर बार सुनने पर नया लगे, दर्शकों से जुड़ाओ। बॉलीवुड के हीरो बड़े शहरों की कहानियों में उलझे रहते हैं, उधर साउथ के हीरो गांव से लेकर जंगल तक हर जगह पहुंच जाते हैं। बॉलीवुड का हीरो सिर्फ जिम में पसीना बहाकर बॉडी बनाता है, जबकि साउथ का हीरो मास और क्लास दोनों में फिट बैठता है। आपको रजनीकांत का एंट्री सीन याद है, या अल्लू अर्जुन का स्वैग, वो 5 मिनट के लिए किसी विलन से भी डर जाता है। साउथ का हीरो, मेरे लिए लोग जीते हैं। बॉलीवुड का हीरो, मैं सिर्फ ट्रोल से लड़ता हूँ। तो दोस्तों, बॉलीवुड को अगर वापसी करनी है तो भाई भतीजावाद छोड़कर कहानी पर ध्यान देना होगा और रीमेक्स से हटकर असली म्यूजिक बनाना होगा, वरना दर्शक झुकेगा नहीं, साउथ के पीछे ही भागते रहेंगे। तो अगली बार अगर आपको बॉलीवुड वाला स्टार किड्स बोर करे तो साउथ की फिल्म लगाओ और पुष्पा वाला अंदाज अपनाओ, झुकेगा नहीं। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।